चाहते हैं अगर फिजिक्स की अच्छी जानकारी तो अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज से करें फिजिक्स की तैयारी। दोस्तों, अभी कोरोना का काल चल रहा है, वर्तमान समय में सरकार द्वारा आदेश दिया गया है घर पर रहे, सुरक्षित रहे, संयमित रहे। अभी जो स्थिति है देश की वह बहुत ही, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए ये विशेष व्यवस्था है। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर क्या है इसके बारे में जानेंगे तथा चुंबकीय बलों के मौलिक नियम और उसके गणितीय व्यंजक के बारे में जानेंगे। कहता है चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? किसी स्थान पर वैसा काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल जो उस स्थान पर स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक के चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरता है उसे चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। उसके बाद कहता है हमारा चुंबकीय बलों के मौलिक नियम को लिखे तथा उसे गणितीय रूप में व्यक्त करे। कहता है चुंबकीय बलों का मौलिक नियम हमारा क्या कहता है? किसी समांगी माध्यम में दो ध्रुवीय परावलयों के बीच लगने वाला आकर्षण बल परावलय के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कहता है चुंबकीय बलों का मौलिक नियम है। उसका गणितीय व्यंजक के लिए कहता है माना कि समांगी माध्यम में दो ध्रुव परावलय P1 और P2 है जिसके बीच की दूरी R है, उनके बीच लगने वाला बल F हो तो चुंबकीय बलों के मौलिक नियम से F समानुपाती P1 P2। कहता है हमारा ध्रुवीय परावलय के गुणनफल, ध्रुवीय परावलय हमारा P1 P2 है, उसका गुणनफल हुआ तो F समानुपाती P1 P2 समीकरण एक। उसके बाद कहता है उसके बीच के दूरी के वर्ग, बीच का दूरी हमारा R है, F समानुपाती 1/r² समीकरण दो। समीकरण एक और समीकरण दो से F समानुपाती P1 P2/r² कहता है। समानुपाती को जब हम लोग बराबर में बदलते हैं तो एक नियत राशि देते हैं अर्थात F बराबर के P1 P2/r², जहां के एक नियतांक है जिसका मान के बराबर μ0/4π होता है, जहां μ0 निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। इस k के जगह पर हम लोग μ0/4π दे रहे हैं तो हमारा आ जाएगा F बराबर μ0/4π × P1 P2/r². अब ये हमारा नोट में कहता है μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷ हेनरी मीटर इनवर्स। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आ रहा है, हम लोग लगातार देख रहे हैं, आप लोग हमारा सहयोग करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।